Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षरानी, आप देख रहे बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। दो महिलाओं का सोना छीनकर फरार हुए चोर। कोहिनूर ग्राम और अलगुड़ ग्राम के खेत में काम कर रही महिलाओं का सोना छीनकर फरार हुए चोर। कोहिनूर ग्राम के खेत में काम कर रही महिला के कान और गले में पहने हुए सोना छीनकर फरार हुए चोर। कल्याण तालुका के कोहिनूर ग्राम की रहने वाली बुजुर्ग महिला सिद्धम्मा अपने खेत में काम कर रही थी, तभी नामालूम तीन चोर बाइक पर आए और सिद्धम्मा के गले और कान में पहना हुआ सोना धमकाकर और घसीटकर उसका सोना लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सिद्धम्मा के कान और गले में लगभग 10 ग्राम से भी ज्यादा सोना था, जिसे चोरों ने लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद महिला के कान और सर पर चोट आई। इन्हें बसोकल्याण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया और मंटाल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस। अलगुड़ के खेत में काम कर रही महिला का सोना लूटकर फरार हुआ चोर। बसोकल्याण तालुका के अलगुड़ ग्राम के खेत में काम कर रही रुक्मिणी पोलिस पाटिल के गले और कान में पहना हुआ सोना लूटकर फरार। बताया जा रहा है कि रुक्मिणी पोलिस पाटिल अपने खेत में काम कर रही थी, तभी बाइक पर चोर उनके पास आए और उनके कान में पहने हुए जेवर को खींचा, जिससे उनके कान को चोट आई और गले में पहना हुआ सोना भी लेकर फरार हुए और इन्हें बसोकल्याण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। इस वारदात का भी मंडल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। CPI राघवेंद्र सिंह ठाकुर और PSI जयश्री और उनकी टीम चोरों की तलाश कर रही है। एक ही दिन में दो अलग अलग जगह पर सेम चोरी की वारदात सामने आई। आए दिन इस तरह के वारदात बहुत हो रहे हैं, इसीलिए महिलाओं को सूचित किया जाता है कि जब भी वो घर से अकेले बाजार, खेत, फंक्शन या कहीं और ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सोने के जेवरात घर पर रखे या दिखाई ना दे जैसे पहने, ताकि इस तरह की घटना ना घटे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।